हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप हार्ड वाटर को मैनेज कर सकते हैं अगर आपके घर पे बहुत हार्ड वाटर आता है या फिर आप बोरिंग का पानी यूज करते हैं अपनी वॉशिंग मशीन में। तो ये एक इक्विपमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं प्योर फिट का। बहुत सारी वॉशिंग मशीन खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके अंदर हार्ड वाटर आता है और अंदर पूरे में स्केल जम जाता है। वो स्केल का रिपेयर करने का तरीका मैंने डीस्केलिंग की एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। आखिर के 2 मिनट के मैं उसका टॉप लेफ्ट साइड में लिंक दे दूंगा। आखिर के 2 मिनट में आप जाकर टॉप लेफ्ट साइड से देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आपका इक्विपमेंट है छोटा सा प्योर फिट का एक फिल्टर है, तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये क्या है। तो ये जो आपका इनलेट पाइप होता है वहां पर इसको आपको लगाना होता है और ये छोटा सा आपका ये फिल्टर आता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन के इनलेट पाइप में या फिर आउटलेट में। तो जब जैसे ही पानी आपके नल से वॉशिंग मशीन के अंदर आएगा तो ये इसके थ्रू फिल्टर होकर आएगा। तो इसको अगर देखें तो ये सिंपल सा इतना बड़ा पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या है कि बीच में इसकी जो कैंडल है इसको अगर देखें तो इसकी कैंडल में आपका यहाँ पर कुछ बॉल्स लगी हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप ये देख सकते हो, ये 4 तरीके की बॉल्स हैं। तो ये मेनली काम करती हैं आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में। और ये बॉल्स आपको हर अप्रोक्सीमेटली 6 to 6 months में चेंज करनी पड़ती है, 6 to 8 months के अंदर चेंज करनी पड़ती है। जब आप इनको चेंज करते रहते हैं तो आपके वॉशिंग मशीन के अंदर सॉफ्ट वाटर ही जाता है। इससे 3-4 फायदे होते हैं। सबसे पहले कलर रिटेंशन रहती है, कलर अच्छा रहता है आपकी वॉशिंग मशीन कपड़ों का। वॉशिंग मशीन में ब्रेक डाउन प्रिवेंट करती है क्योंकि स्केल नहीं जमता है, तो उसकी वजह से खराब होने की वॉशिंग मशीन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और वॉशिंग क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करती है ये। तो ये 3 चीजें हैं, आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं लगाना। सस्ता सा आइटम है, वॉशिंग मशीन के प्राइस के कंपेरिजन में 700-800 रुपए के आसपास आता है। आप इसको देख सकते हैं, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही देखें तो इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको आप रेगुलरली यूज करिए। एक बार फिट कर देंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8 महीने में इसको चेंज कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये लगा दिया तो आप डीस्केलिंग ना करें। डीस्केलिंग तब भी करें क्योंकि अगर आपको अपनी वॉशिंग मशीन की लाइफ लगभग 15 साल तक रखनी है तो आपको रेगुलरली हर 6 से 8 महीने में डीस्केलिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये डाउट है कि आपका पानी हार्ड स्केल है या नहीं है तो सिर्फ एक सिंपल सा टीडीएस मीटर खरीद लीजिए। मैंने उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप टीडीएस मीटर खरीद लेंगे, यूजली ये फंडा रहता है कि आपका हार्डनेस ऑफ द वाटर इज हाफ ऑफ टीडीएस। तो अगर आपका टीडीएस आ रहा है लेट्स से 1000 और आपका हार्ड वाटर फिर 500 हो जाएगा, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। हार्ड वाटर अगर आपका 800, 700, 800 के आसपास है तो वो काफी ज्यादा है, आपको बिल्कुल कंसिडर करना है चाहिए ये लगाना, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ बनी रहे। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7-8 साल 10 साल के लिए चलेगी आपकी वॉशिंग मशीन। तो कंसिडर करें कि 8 kg की वॉशिंग मशीन खरीदें जिससे कि आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसिडर कर सकें। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर बेडशीट, बेड कवर्स, किंग साइज बेड कवर्स वगैरह भी धो पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 8 kg खरीदिए। अगर आप हल्का सा मतलब मान लीजिए 3 से 3 जने या 4 जने भी रहते हैं घर में तो 8 kg की वॉशिंग मशीन प्रेफर करिए खरीदना, क्योंकि सबके घर में बेडशीट बेड कवर की रिक्वायरमेंट रहती है धुलने की, तो ये चीज है। प्लस कर्टन वगैरह भी आप धो सकते हैं। तो ये तरीका था जिससे आप हार्ड स्केल, अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आ रहा है तो आप उसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर में, ये सिंपल सा प्योर फिट का फीचर लगाकर। तो इसको यूज करिए बिल्कुल, और ये आपका स्टार्टिंग में लग जाएगा। यहाँ से आपका पानी इनलेट होएगा और यहाँ से आउटलेट होएगा और सिंपल आपका पानी निकल सकता है और यूज हो सकता है। सो यही चीज थी जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो बिल्कुल मेंशन करिए। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी अमेजोन सेल चल रही है और अमेजोन सेल के साथ साथ अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं या फिर आपको हीटर की रिक्वायरमेंट है तो मैंने एक हीटर पे वीडियो बना रखी है, ऑयल हीटर पे बिल्कुल कंसिडर करिए खरीदना। क्योंकि जो हीटर आपको सीजन में 13,000 रुपीज के आसपास मिल रहे हैं वो करंटली अभी 10,000 रुपीज के आसपास मिल रहे हैं, तो 3,000 रुपीज वो ऑफ है। प्लस आप अगर कोई कार्ड वाला डिस्काउंट लगाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेनली मैं 2-3 हीटर्स की बात कर रहा हूँ। एक ओरिएंट का आता है ऑयल हीटर, ऐसे वेवी वाला, जो आप कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना है। या फिर आप हैवेल्स का हीटर खरीदने की सोच सकते हैं, वो अप्रॉक्सिमेटली 10,700 रुपीज के आसपास मिल रहा है। जो जब सीजन चल रहा होता है वो 14,000-15,000 रुपीज तक का मिलता है, तो उस हिसाब से बिल्कुल कंसिडर करिए। मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा और मैं उसका टॉप लेफ्ट साइड में लिंक भी दे रहा हूँ, जहां पर आप जाकर मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी, जहां पर मैंने ऑयल हीटर्स के बारे में बताया है और वो कैसे हेल्पफुल रहती है।
तो वो भी कंसिडर कर लीजिए देखना, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप काफी पैसे अभी बचा पाएंगे अगर अभी आप हल्का सा प्लानिंग की वजह से, क्योंकि देखिए फायदा तो रहता ही है, अगर आप प्लानिंग पहले कर लोगे तो आपके 3-4 हज़ार रुपये सीधा ऑयल हीटर में बच जाएंगे। तो अभी एक बार स्क्रीनिंग कर लीजिए आपके घर में कितने हीटर्स हैं, कितने हीटर्स नहीं हैं, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ऑयल हीटर फिर वो वाला आप खरीद सकते हैं, अगर नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं या फिर आप जहां पर भी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर ठंड पड़ती है और आपको हीटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑयल हीटर बहुत अच्छी चीज है, एक क्लासी चीज है जो आपके कमरे में एक वॉर्म बना के रखती है लॉन्ग टर्म तक और पूरे समय चल सकती है, तो काफी सही चीज है। अगर आप खरीदने की सोचते हैं तो फिर आप कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन करिए, कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं उससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड या कोई भी चीज है आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। बॉश की वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा फेवर में इसलिए रहता हूं क्योंकि सबसे कम वाइब्रेशन बॉश की वॉशिंग मशीन में रहता है एज कम्पेयर टू ऑल द वॉशिंग मशीन दैट आर अवेलेबल, भले ही LG है, IFB है, सैमसंग है, पैनासोनिक, कोई भी वॉशिंग मशीन है, सबसे कम वाइब्रेशन बॉश की वॉशिंग मशीन में रहती है, क्योंकि UK के स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन उस स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं सेट करती तो आप वॉशिंग मशीन सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए यूके की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूके में बॉश की वॉशिंग मशीन बहुत बिकती हैं। सीरीज 4, सीरीज 6 दो वॉशिंग मशीन होती हैं, ये पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप सीरीज 6 की वॉशिंग मशीन प्रेफर करिए क्योंकि उसमें वाइब्रेशन और कम हो जाती है, वाटर मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तीनों चीजें ये बेटर हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा मत कर लीजिएगा कि भाई 7 सीरीज 7 KG की खरीद रहे हैं, यूजली 7 KG और नीचे वाले मॉडल्स में आपको सीरीज 4 मिलती है और उसके बाद ऊपर सीरीज 8 मिलती है, सीरीज 6 मिलती है सॉरी, वैसे सीरीज 8 भी आती है लेकिन सीरीज 6 इनाफ है, सीरीज 8 हल्का सा ज्यादा ही प्रोफेशनल हो जाता है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, कोई भी डाउट्स है बिल्कुल बिंदास नीचे मेंशन करिए कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, @शुभिन्स मेरा चैनल है जहां पर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, कोई भी डाउट्स है तो नीचे मेंशन करिए और बिल्कुल और हीटर्स को अभी कंसिडर करिए। प्लस आप इसके साथ दिवाली की प्रेपरेशन, मैंने एक पार्टी वाली वीडियो भी बना रखी है, दिवाली की प्रेपरेशन भी अगर करनी है तो अभी से ही खरीद लीजिए क्योंकि 4 नवंबर की दिवाली है, जिससे कि अभी सेल में आप परचेज करेंगे तो लाइट्स वगैरह तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकें। सो अभी प्लस कर लिए, अभी ये सारा सामान खरीद लीजिए, जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना ज्यादा बाद के लिए पैसा बचा सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट्स है कमेंट्स है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर नीचे मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा सारे डाउट्स की सबकी रिप्लाई करने की, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, शुभिन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल।